अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस सैंडविच की रेसिपी देने जा रही हूँ वो मैं बहुत ही बेसिक मसालों से बनाना बताऊँगी जो हर घर में मौजूद होते हैं, बहुत ही बेसिक मसालों से लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है 3 टेबल स्पून मैंने दही लिया है जो हम घरों में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। 1 टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है पिसा हुआ, 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून पिसी हुई मिर्चें, 1/4 टी स्पून हल्दी, 1/4 टी स्पून काली मिर्ची पिसी हुई और 1/2 टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो मस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा मैंने तकरीबन 5 से 6 जवे लहसुन लिए जो मैं फ्रेश ग्रेट करके डालूंगी, क्योंकि जो फ्रेश ग्रेट करके जो डालते हैं लहसुन, इसका तो टेस्ट ही अलग होता है, बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा होता है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर मैं एक इसमें लेमन का भी इस्तेमाल करूँगी। ये मीडियम साइज़ का लेमन है, 1 लेमन मैंने लिया है। यहाँ पर इसे मैं मिक्स करूँगी, मिक्स मिक्स मिक्स, और इसके साथ ही मैं तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप मैं इसमें फूड कलर भी डालूँगी, येलो फूड कलर। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं लेकिन एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी जो मैंने मसाला रेडी किया है। ये मसाला चिकन में अच्छी तरह से मैं हर तरफ लगा दूँगी और इसको आधा घंटे के लिए मैं रख दूँगी, और अगर जल्दी है तो फौरन भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं इसमें प्रोसेस करने वाली हूँ तो उसमें मैरिनेशन की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे अपने सैंडविच के लिए हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स रेडी करेंगे। 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है और 1 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसे मैं डाइस की शक्ल में काट लूँगी। शिमला मिर्च मैंने काट दिया, प्याज को भी मैं मोटा मोटा स्लाइस की तरह काट लूँगी। ये जी, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने खुली पतीली ली है, इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल का डाला है और इसके साथ ही जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो जो हमारी चिकन मसाला लगी हुई रखी हुई है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और जो बाकी का जो मसाला है जो हमारा जो मैरिनेशन का, वो भी मैं इसमें सारा ज़ाया नहीं करूँगी, इसमें डाल दूँगी और फिर इसको कवर करके 5 से 10 मिनट पकाऊँगी और फिर इसके बाद इसकी साइड को चेंज कर दूँगी। हमारी चिकन को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो मैंने फिर यहाँ पे छुरी से थोड़े से कट लगाए ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस इसका तेज़ हो जाए, और इसे मैं तकरीबन 25 मिनट पकाऊँगी कवर करके। चिकन बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है हमारी। अब मैं यहाँ पे जो इसका जो पानी है ये ड्राई करूँगी। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया यहाँ पर, जितना हम पानी इसको ड्राई कर सकेंगे मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगी। और अब मैं जो चिकन है, सिर्फ चिकन को मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। अच्छा, ये जो मसाला जो हमारी पतीली में लगा हुआ है ये बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगा। इसी पतीली के अंदर जो मैंने वेजिटेबल्स रेडी की थी कटिंग करके, वो सारी वेजिटेबल्स मैं इसमें डालकर पकाऊंगी, तो जो हमारा मसाला है सारा वो हमारे सैंडविच में ही आएगा, ये ज़ाया बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है ताकि मसाला जले नहीं, क्योंकि हमें पानी तो इसमें ऐड करना नहीं है, तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। अच्छा, इसको इसी तरह से श्रेड कर लें चिकन को। चिकन सारी जब इस तरह से श्रेड हो जाएगी तो ये जो हमारी प्याज और शिमला मिर्च है ये हमारी गल चुकी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इन्हें पकते हुए। अब हम सारी चिकन इसमें शामिल कर देंगे और इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे हल्का सा इसको चलाऊंगी और फिर इसे उतार लूँगी। चिकन रेडी है हमारी बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर सैंडविच रेडी करूँगी। यहाँ मैंने 2 ब्रेड लिए हैं, 2 स्लाइस लिए हैं, और अब इसमें मैं मेयोनीज लगाऊंगी अच्छी तरह से। इसके साथ जो मैंने चिकन रेडी किया था वो चिकन की फिलिंग इस पर अच्छी तरह से फैला दूंगी। और इसके साथ ही केचप, थोड़ा सा चेडर चीज़, अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो चीज़ स्लाइस इस्तेमाल कर लें, और मेरे पास आइसबर्ग था, अगर आप सलाद पत्ता भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और आइसबर्ग रख के मैं इसे कवर करूँगी, हल्का सा इसे प्रेस करूँगी और फिर इसे एक ग्रीस पैन में
बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके पकाऊंगी, सिर्फ एक मिनट एक साइड पे और एक मिनट एक साइड पे, इतनी देर बस पकाऊंगी कि हल्का से क्रिस्पी सा एक कलर आ जाए और जो हमारा जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद इसे उतार के मैं इसे कटिंग करके प्लेट में सर्व करूंगी। अस्सलामुअलैकुम, अफ्तार स्पेशल के लिए जो मैं दूसरी रेसिपी लेकर आई हूँ ये है वेजिटेबल सैंडविच, बिना किसी गोश्त के, बिना किसी चिकन के, बहुत ही मज़ेदार किस्म के सैंडविच है ये। और रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं तीन टाइप की वेजिटेबल्स लिए हैं, जिनमें मैंने कॉर्न लिए हैं, कॉर्न उबले हुए हैं, मटर हैं और गाजर हैं। ये तीनों मैंने बराबर लिए हैं बिल्कुल वज़न में। अगर एक कप कॉर्न है तो एक कप मैंने मटर ली और एक कप मैंने बारीक बारीक चॉप की हुई गाजर ली, और इन तीनों को मैंने बॉईल कर लिया है और पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लिया है। तकरीबन तीन से चार मैंने स्प्रिंग अनियन ली है, शिमला मिर्च ली है मैंने दो, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पर चार से पाँच मैंने आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको मैंने बॉयल कर लिया है। इसके अलावा तीन मैंने अंडे लिए हैं, इनको हार्ड बॉयल कर लिया है बिल्कुल, और इसको छील लिया है। इसके अलावा मोज़रेला चीज़ इसमें जाएगी तकरीबन 150 ग्राम। अच्छा, इसमें कुछ स्पाइसेस भी जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली है पिसी हुई, एक टेबलस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है कुटा हुआ, और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और नमक है हसबे जायका, और अदरक है इसमें 1 टीस्पून बारीक बिल्कुल कुटी हुई या चॉप की हुई। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया जाएगा, इसके अलावा इसमें केचप जाएगा, मैंने इसमें हॉट केचप लिया है, थोड़ा सा स्पाइसी होता है ये। इसके अलावा इसमें तकरीबन 6 चम्मच मेयोनीज जाएगी, और अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 टेबलस्पून लिया है, आप इसमें टोटल इसमें 6 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें एक बड़े साइज़ की ब्रेड भी जाएगी। यहाँ मैं आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं कीजिएगा वरना वो बहुत मैशी से और गीले से हो जाते हैं। अच्छा, ये वेजिटेबल्स हैं, इनको भी मैंने बॉयल कर लिया, पानी में बिल्कुल नहीं है इनका, पानी मैंने ड्राई कर दिया था। और इसके साथ ही इसमें मैंने हरी प्याज जो बिल्कुल बारीक काटी हुई थी, और शिमला मिर्च जो बारीक काटी हुई थी, और बारीक बारीक चॉप किए हुए अंडे, इसके अलावा बारीक ग्रेट की हुई चीज़ और केचप, ये सारी चीज़ भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें मायोनीज अभी डालूंगी, थोड़ा सा जब मुझे बाद में कम लगेगा तो मैं इसमें और मायोनीज ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया, थोड़े से स्पाइसेस हैं, काली मिर्चें, अदरक है कुटी हुई, लहसुन नहीं जाएगा इसमें, सफ़ेद ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके अलावा इसमें मैंने 1/2 टीस्पून ओरिगानो का भी इसमें डाला है। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप मिक्स कर लिएगा, और एक बात का ख्याल रखिएगा इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो। अच्छा, मुझे बाइंडिंग के दौरान थोड़ा सा ये ड्राई लग रहा था तो मैंने इसमें मायोनीज और ऐड कर दिया, टोटल इसमें 5-6 टेबलस्पून मायोनीज जाएगा। मायोनीज डाल के मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, एक बिल्कुल अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। ये देखिए हमारा बैटर तैयार है यहाँ पर। अब मैं ऊपर कोटिंग के लिए एक इसका दूसरा बैटर तैयार करूंगी। यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, अंडे में मैंने 1/2 टीस्पून मैंने वाइट पेपर, इसके अलावा थोड़ा सा नमक, और इसमें टोटल मैंने 6 टेबलस्पून, 5-6 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। अभी मैंने 3 टेबलस्पून डाला है, इसको मैं अच्छी तरह से बीट करूंगी थोड़े से पानी के साथ, आप चाहें तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैंने दोबारा 3 टेबलस्पून, टोटल इसमें मैंने 6 टेबलस्पून मैदे का इस्तेमाल किया है। एक स्मूथ सा, एक अच्छा सा बैटर इसका रेडी कर लें। अंडा मैंने इसमें सिर्फ एक डाला था, और इसको पानी से अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है।
जिस तरह हमारे पकौड़ों का बैटर होता है ये उससे थोड़ा सा पतला होगा। अब मैंने जो सैंडविच के स्लाइस हैं ये मैंने लिए हैं, इसके मैंने किनारे बिल्कुल रिमूव नहीं किए हैं, किनारे मैंने इसके इसी तरह रहने दिए, और इस पर जो मैंने बैटर बनाया था वेजिटेबल्स का ये मैं अच्छी तरह से इस पर लगा दूँगी, और दूसरे ब्रेड से इसको अच्छी तरह से दबा कर प्रेस करके इस तरह की शेप दे दूँगी, और जो बैटर तैयार किया था इसमें डिप करूँगी, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम इसको लगाऊँगी और इसके बाद इसे डिप फ्राई कर लूँगी। इसका फ्लेम आप मीडियम टू लो रखिएगा क्योंकि हमें ये क्रिस्पी ब्राउन करना है, तो अगर फ्लेम हाई होगा तो ये क्रिस्पी नहीं होंगी और सॉफ्ट रहेंगी। जब ये थोड़ी क्रिस्पी ब्राउन हो जाएंगी फ्लेम बिल्कुल आप इसका कम रखिएगा, तो आप इसका जो तेल है ये रिमूव करके इसको डिश आउट कर लीजिएगा। यहाँ एक अच्छी सी छुरी से मैं इसे काट लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच है, लंच बॉक्स के लिए भी और वैसे भी आप आम दिनों में भी इसको फ्रीज करें और अपने मेहमानों को सर्व करें, बहुत ही लाजवाब सैंडविच है। रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।